मुसलमानों से नफरत इस समाज को कहां ले जा रहा है? चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मोहित यादव आपकी स्क्रीन पर। मोहित यादव एक बस का कंडक्टर था। इसने कुछ देर के लिए अपनी बस को रोका ताकि कुछ मुसलमान नमाज अदा कर सकें। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। आप जानते हैं मोहित क्या करता है? ट्रेन के सामने आ जाता है, अपनी जान दे देता है, क्योंकि आजकल नौकरियां मिलती कहां हैं। अरनाज बानो, मेहसाणा गुजरात, 15 अगस्त को टॉपर थी अपनी क्लास की, मंच पर नहीं बुलाया गया ताकि उसका सम्मान किया जा सके, रोते हुए घर गई अपने। मुजफ्फरनगर की दास्तान तो आप जानते ही है ना। तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम लड़की को खड़ा करके पूरे क्लास के लड़कों से उसे थप्पड़ पड़वाया। उसकी मां तक को ताने दिए कि मोहम्मदन औरतें क्या करती हैं। इंदौर की घटना देखिए। एक 12 साल के लड़के को नंगा करके मारा गया। उसे कहा जय श्री राम कहिए, और मारने वाले कौन थे? 3 माइनर्स। 3 माइनर्स थे मारने वाले। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों से नफरत में आप सिर्फ उन पर निशाना नहीं साध रहे हैं, बतौर नागरिक उनके जो अधिकार हैं सिर्फ उन्हें नहीं रौंद रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप अपने बच्चों के नसों में जहर भर के उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर नफरत होगी वो ठीक से सोच ही नहीं सकता। उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा, वो हमेशा तमतमाया रहेगा, वो हमेशा गुस्सा रहेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी जिसका मन, जिसका चित्त शांत ना रहे, वो खाक तरक्की करेगा? वो खाक पढ़ाई करेगा? नफरत की जो तमाम मिसालें मैंने आपके सामने दी, इस तरह की नफरत अगर उसके नसों में भरी रहेगी, वो नफरत जो आए दिन गोदी मीडिया आप तक पहुंचाता है प्राइम टाइम के जरिए, तो वो इस देश का अच्छा नागरिक कैसे बनेगा, मुझे बताइए ना। ताजा मिसाल मोहित यादव की है दोस्तों। मोहित यादव से दो मुसलमान जो हैं वो ये अपील करते हैं कि भाई कहीं पर बस रोक देना, कुछ देर के लिए हम नमाज अदा करेंगे। मोहित यादव जब बस चलने लगती है तो एक जगह कुछ लोग उसके पास आते हैं कि भाई हमें पेशाब जाना है, कुछ देर के लिए रोक दो। मोहित यादव उन मुसलमानों से कहता है कि भाई कुछ लोग पेशाब कर रहे हैं, आप लोग भी नमाज अदा कर लें। बस उसने उतना किया था और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर बवाल बढ़ा, वीडियो बनाया गया, वीडियो को वायरल किया गया, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया गया दोस्तों। मोहित यादव ने जो किया गलत किया, उसने आत्महत्या क्यों कर ली? मोहित तुम युवा थे, तुम्हारे पास ढेरों अवसर आते, तुमने आत्महत्या क्यों की? तुमने कोई शर्मनाक काम नहीं किया था। मगर मरने से पहले मोहित यादव उस पूरी घटना को बयां कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहित यादव। उसी देव जो सवाल नवाज के लिए हमसे जो बोली थी, उनसे हमने कि भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय, 2 मिनट में पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नवाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुलाकर नवाज पढ़वा दी। कहाँ? ये मेलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चादर बिछा के नवाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नवाज पढ़ के आ गए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नवाज पढ़ ली। नवाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नवाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उनने वीडियो बनाई, नवाज वालों के लिए उनने वीडियो बना ली कि नवाज क्यों पढ़ा रहे, ये है ये है वो। उन्होंने हमसे बहुत कुछ कहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं चलो भैया, अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने की गलती हो गई, मुझसे मैं गलती मान रहे हैं। नवाज के वाले अगर मान लो अगर नवाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते हैं। तो यही बात हुई मेरी गाड़ी में और कोई। इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की समझा खत्म कर दी, हमारे KP सिंह चालक हैं उनकी सस्पेंड कर दिया है। कितना सही मानती है भैया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गए, 2 मिनट में उन्होंने सवारी में पेशाब की, उन्होंने नवाज कायदे से मुझे कहना चाहिए था क्या कह रहे थे मोहित यादव। आज कटघरे में उत्तर प्रदेश प्रशासन है जिसने पिछले 7 सालों में ऐसी ढेरों मिसाल दी है जहां उसने मुसलमानों के प्रति नफरत को
अमली जामा पहनाया है, मुख्य धारा का हिस्सा बनाया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से कुछ लोग पहुंच जाते हैं मोहित यादव के पास कि क्यों तुमने उतारा उन मुसलमानों को, क्यों बस रोकी। और इसमें भी देखिए मोहित यादव क्या कह रहा है कि भाई क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, हम हिंदू भी तो पूजा करते हैं। मोहित यादव के कितने खूबसूरत विचार थे, मैं चाहूंगा आप सुनिएगा दोस्तों क्या कह रहा था उस वक्त मोहित यादव जिस वीडियो को वायरल किया गया था कि क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। सुनो, सारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। बहुत आपकी बात मार रहे हैं, सही नहीं रहता जी, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है यार भैया, ये सही नहीं। उनने चलो हम बहुत आपकी मारे, उनने पहले हमें बरेली में कह दिया था की भैया आपने माना क्यों? नहीं, बरेली में कहा कि दो मंदिर के लिए दो सवारी के लिए आप ये मान लोगे? ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये यार भाई, उनकी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी है। मोहित यादव की मौत एक त्रासदी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका परिवार उसकी आजीविका पर निर्भर करता था, उसके रोजगार पर निर्भर करता था, मगर मोहित यादव जैसे लोगों की जरूरत इस समाज को है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले एक अरसे से इस समाज की नसों में जहर भरा जा रहा है ताकि एक विचारधारा को, एक राजनीतिक विचारधारा को वोट्स मिल सके, बस सिर्फ इसलिए। और यह सिर्फ एक मिसाल नहीं है, अरदास बानो याद है आपको, गुजरात की है, 15 अगस्त को इसे सम्मानित किया जाना था, क्लास में टॉप किया था अरनाज ने, मगर मंच पर अरनाज को नहीं बुलाया जाता। अरनाज घर जाती है, रोती है, स्कूल ये कहता है कि साहब वो 15 अगस्त को पहुंची ही नहीं थी इसलिए हमने उसे मंच पर नहीं बुलाया। पिता कह रहा है कि सीसीटीवी है, उसमें तमाम सबूत मौजूद हैं कि अरनाज वहां मौजूद थी। ये कौन कर रहा है दोस्तों? ये स्कूल्स कर रहे हैं, वो स्कूल्स जो कि कायदे से एक बालक, एक लड़के, एक लड़की के लिए सुरक्षा का पहला कवच होना चाहिए, उन स्कूल्स में इस नफरत को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि अरनाज बानो तो सिर्फ एक मिसाल है, आप भूल गए मुजफ्फरनगर में तृप्ता त्यागी ने क्या किया था। और तृप्ता त्यागी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, वो कह रही है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो अपने दिव्यांग होने का बहाना ढूंढ रही हैं। वो ये भूल जाती हैं कि अगर कुछ लम्हे के लिए मैं मान भी लूं कि वो सांप्रदायिक नहीं था, मगर आप उनकी मां को ताना दे रही थी, मोहम्मडन औरतों की बात कर रही थी, आपने हिंदू औरतों की तो बात नहीं की ना, बताइए। और सबसे बड़ी बात, एक लड़की को खड़े करके पूरी क्लास मार रही है, कुछ लम्हे के लिए आप अपने बच्चे को वहां खड़ा कीजिए। इस तरह की पिटाई एक गुनाह है, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अ क्राइम, मगर ये सब उसके साथ किया जा रहा था और ये हो रहा है स्कूल के अंदर। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था इसका एक दूसरा पहलू है, जहां जम्मू के कठुआ में जय श्री राम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के चलते एक बच्चे को एक मुस्लिम टीचर ने बेरहमी से मारा, उसे घसीट कर ले गया प्रिंसिपल के ऑफिस में और फिर दोनों ने मारा। प्रिंसिपल फरार हो गया, टीचर गिरफ्तार हो गया, मगर कम से कम यहां गिरफ्तार तो हुआ। तृप्ता त्यागी की हौसला अफजाई करने के लिए संजीव बालियान पहुंच जाते हैं, तृप्ता त्यागी की हौसला अफजाई करने के लिए नरेश टिकैत किसान नेता पहुंच जाते हैं कि कोई FIR नहीं होगी। मगर शुक्र है उस मुसलमान टीचर के पक्ष में कोई नहीं पहुंचा उसकी हौसला अफजाई करने के लिए। हालांकि इस कठुआ को एक और शर्म का सामना करना पड़ा था, याद है आपको, इसी कठुआ में एक मंदिर के अंदर एक 8 साल की मासूम लड़की का बलात्कार होता है और वो भी मंदिर के अंदर, जैसे मैंने बताया। उन बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री रैली निकालते हैं, क्यों? क्योंकि 8 साल की वो मासूम एक मुसलमान थी। यही कठुआ में भी हुआ था और कठुआ में वो घटना भी हुई। ये तमाम मिसालें इस बात का प्रमाण है कि समाज के अंदर योजनाबद्ध तरीके से जहर भरा जा रहा है, किसी को शर्म तक नहीं आ रही।
हम इस देश को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको लगने लगा कि हिंदू खतरे में है? आपको क्यों ऐसा लगने लगा कि अगर फलाना ढिमकाना पार्टी सत्ता से बाहर आ गई तो मुगलों का राज आ जाएगा? बताइए, ऐसा आपको क्यों लगने लगा है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि 2014 से पहले तो हिंदू का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं था। इस तरह की बातें तो हिंदू धर्म में होती भी नहीं थी ना कि हिंदू खतरे में है, ऐसी बातें कहां होती थी? बताइए, मध्य पूर्व में कट्टर मौलाना इस तरह से अपने समर्थकों को कहते थे इस्लाम खतरे में है, ये कहते थे इस तरह से। आज तुम वो बन रहे हो जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। तुम पाकिस्तान की राह पर चल पड़े हो, जिस पाकिस्तान को तुम ताने देते थे कट्टरवाद को लेकर, हिंदुओं पर निशाना साधने को लेकर, क्योंकि वहां की माइनॉरिटीज हिंदुओं पर भी निशाना साधने को लेकर ढेरों मिसाल हैं। आज तुम वही बन रहे हो बगैर किसी कारण के, और ये सब हो रहा है हमारे स्कूलों में। इंदौर की मिसाल देखिए दोस्तों, 12-13 साल के बच्चे को नंगा करके पीटा, उसी के क्लासमेट्स ने कहा जय श्री राम के नारे लगा, गिरफ्तारी हो गई उन माइनर्स की। मगर आप देखिए, चाहे मुजफ्फरनगर में वो घटना हो या फिर इंदौर वाली, उन बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा। आपने उन्हें अंदर से खत्म कर दिया है बिल्कुल, उस नफरत के सहारे, उस हिंसा के सहारे, और आप में से कई लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, आप ताली किस बात की बजा रहे हैं? अपनी बर्बादी की? बर्बाद कौन हो रहा है? मेरा हर बार मानना है कि जब भी लोगों पर जुल्म होता है ना, तो ठीक है कुछ लोग उस जुल्म के सामने टूट जाते हैं, मगर उसी जुल्म से बेहतर इंसान भी निकल के आते हैं, जो बेहतर आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, लेखक होते हैं, पोएट्स होते हैं, बेहतरीन कविता शायरी करते हैं। मगर आप जिनकी नसों में नफरत भरी जा रही है, आप सोचो ना, आपको इससे क्या फायदा हो रहा है? क्या इससे हिंदू धर्म का मान बढ़ रहा है? अरे भाई, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मेरा धर्म तो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्व धर्म संभाव की बात करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस मुद्दे पर भी ऐसे नफरती चिंटू हैं, ऐसे दो रुपल्ली टोल हैं जो मुझे ही गाली देने के लिए आ जाएंगे। जबकि आज जो मैं बात हर बार की तरह कर रहा हूं, वो तो इस हिंदू के पक्ष की बात कर रहा हूं ना, कि खुद को इस नफरत के दलदल से निकालो, क्योंकि तुम्हारा उस नफरत के दलदल में रहना कुछ लोगों को फायदेमंद हो सकता है, तुम्हें या तुम्हारे परिवार के लिए बिल्कुल भी नहीं। आसपास निगाह डालो, अपनी सोसाइटीज में, अपने अपार्टमेंट्स में ऐसे कई रिटायर्ड अंकल जो हैं पार्क में बैठे रहते हैं, जो इस तरह का नफरती ज्ञान देते हैं। आपके व्हाट्सएप में इस तरह की झूठी खबरें चलाई जाती हैं, जिसके जरिए आपको गुस्सा, आप में गुस्सा पैदा किया जाता है, आपको भड़काया जाता है, और फिर नतीजे के तौर पर ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आती हैं। मोहित यादव की मिसाल वाकई शॉकिंग है। मोहित यादव नफरत की बलि चढ़ गया, प्रशासन को उसके प्रति सहानुभूति वाला रवैया दिखाना था, क्योंकि खुद मोहित ने कहा कि उसने बस को तब रोका जब कुछ अन्य लोग पेशाब के लिए उतरे थे। अगर दो मुसलमान उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे तो कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं हो गया था, मगर मोहित यादव ने अपनी जान दे दी। क्या तुम में से कई लोग अब भी मोहित यादव पर दोष मढ़ोगे? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे इंसान होने पर शक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।